नमस्कार। और अभी अपने साथ में श्रीमान नीरज दत्त जी हैं और यह नानकपुरा गुरु नानकपुरा तिलक नगर में रहते हैं। बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं, बहुत जबरदस्त। कितने दिन से दर्द था? ये कमर में दर्द करते था, छह महीने से लगभग छह महीने से कमर में दर्द था। L4 L5 डिस्क थी। तो हमने कल और आज दो सेटिंग दी थी इनको, सिर्फ दो सेटिंग। वो दो सेटिंग का इनके ऊपर क्या असर हुआ और कितने जल्दी ये ठीक हो गए, आप एक बार देखिए, ये बताइए। 90% तो मैं कल ही ठीक हो गया था। कैसे ठीक हुए थे? मेरे को जो पेट फटा मेरे लिए। आप हमारे पास आए कैसे? मैं आपका YouTube से देख रहा था। नहीं, आपको रेफर किसने किया? आपकी मम्मी? मेरी मम्मी। कैसे? YouTube से वो देख रही थी आपको काफी दिनों से, छह महीने से वो आपको देख रही थी। तो मैंने भी उनको देखा, उनके देखते हुए मैंने देखना शुरू कर दिया। मैंने फिर आपको फॉलो कर रहा था बट आया नहीं कभी, क्योंकि कमर में दर्द रहता था। बट कुछ दिन से, दो तीन दिन से मेरे क्या हुआ कि बैक बोन के नीचे जो है, यहाँ से पूरा नीचे टांग तक पूरी की पूरी ब्लॉकेज होने लगे और इतना सीवियर दर्द हो गया। कितना दर्द था? कल मेरे को इतना दर्द था कि ना तो मैं सो पा रहा था, ना मैं मतलब ना टॉयलेट तक जा पा रहा था, कुछ नहीं था। और सीवियर दर्द हो गया था। बहुत सीवियर। आज कैसे हैं आप? आज मैं पूरा एकदम। स्पाइन से रिलेटेड अगर कुछ बीमारी आपको है, कोई भी समस्या है, तो आप इधर उधर मत घूमिए, पहले एक बार इधर आ जाओ हमारे पास, ठीक है? फिर तो वो कहते हैं ना कि फिर जब आप चारों तरफ घूम लेंगे, जब कहीं ठीक नहीं हो रहे, तभी फिर सर्जरी की तरफ जाना। अन्यथा सर्जरी की तरफ इतनी जल्दी बिल्कुल मत जाइएगा। स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे बैक पेन है, चाहे लोअर बैक पेन है, चाहे फ्रोजन शोल्डर है, चाहे साइटिका पेन है, चाहे नेक पेन है, चाहे नी पेन है, तो आप जरूर हमारे पास आइएगा, जरूर। ठीक है, नमस्कार। अब आइए आइए। कौन सी पैर में नहीं चला जा रहा? चलो चलो, कोई बात नहीं, चलो आप चलो। टेढ़ापन हो गया कमर में? एक तरफ भार दे दी। लेफ्ट राइट पैर में जी? आइए आओ, नीचे आओ, आप जरा नीचे आओ। बड़ा नीचे आ जाओ, नीचे आओ। ला पकड़ियो, पहला किस तरीके से टाइट पकड़ो ऊपर की तरफ। चलो जी, नहीं गया, कहाँ तक गया? नहीं हुआ सेट, कहाँ तक गया? नीचे तक नहीं गया भाई, तक गया तू। कर भाई मंजिल कर, सीधा कीजिए। चलो जी, एक सेकंड रुको भाई साहब, चलो भाई साहब। जय नीचे तक खड़े होइए जरा, मैं सीट सही करूँ, साइड में करवा लेंगे। दादा भी स्पाइन सेट कर दो, चलिए क्या वो जा नहीं पाया प्रॉपर, पीछे हुई थोड़ा। पूरे
سنار کے ساتھ ایک منٹ ہوگی سیدھے ویسے اس پیر کو میرے سے پکڑ کے رکھیے اس کو اب آپ ایسے رکھیے اس کو یہاں سے موڑنا مت بالکل بھی کسی بھی آدمی ٹھیک ہے یہاں چھوڑیے گرے تو نہیں تھے ہاتھ اوپر کرو چھوڑو آ گیا جی لگ پیٹ کو لے لو ایک گھنٹہ نمک کی سکائی کرنی ہے تنگڑی ٹھیک ہے یہاں سے جاتی آئیے فیور تو نہیں ہے پورا ایک دم پورا ڈیلا درد ہے یہی درد ہے نا یہ لگ رہے یہاں کوئی درد نہیں ہے نیچے تک جا رہا تھا کیا پوری باڈی ڈھیلی ایک دم آپ کو کوئی جھٹکا تو نہیں لگا تھا اٹھتے بیٹھتے سمے یا کچھ اور کرتے سمے نیرج جی ویسے جہاں میں پریشر دے رہا ہوں وہاں بالکل نہیں ہے اچھا یہ لوور بیک میں تنگڑا ہوا ہے آپ کو نکل جائے گا کوئی نہیں آج ہی شام تک نکل جانا چاہیے اب جہاں دونوں پیروں میں پریشر دے رہا ہوں دونوں میں سکسی میں درد ہے ہاں جی کتنا ہے نہیں 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 وہ پریشر کا بتاؤں مجھے موڑ کر
लाइट वाला अच्छा पूरा बेहतरीन तरीके से साइड में कमर लेके खड़े हुआ करो हमेशा सीधे कभी नहीं करना ठीक है चलो पूरे नॉर्मल खड़े हुए एक बार बैठो रखो एक बार बैठो रखो ऐसे बैठो नॉर्मल नॉर्मल बैठो बिल्कुल दर्द है लंबे कदम खींच के चलना है ऐसे थोड़ा फिर पता लगेगी लंबे उधर उधर लंबे कदम खींचो हाँ और एडी पे प्रेशर डालो आओ अब नॉर्मल चलो नॉर्मल और तेज आओ नॉर्मल और तेज चलो नीचे जा रहा है नीचे तक पैदा डर जा ये और यहाँ से यहाँ से नहीं गया कमर तक गया है पूरा नीचे कमर तक कमर तक आया हाँ तो ठीक हो इसका मतलब उठ जाओ आराम से दे दो फिर आओ उठ जाओ जी आराम से अब आप ओके हो गए हमारी नजर में करवट लो साइड में एक बार किसी में भी और नाक से सांस लेके मुंह से नॉर्मल छोड़ के रहो उठ जाओ झटके से नहीं कभी भी झटके से उठ जाइए और ये बच्चे नहीं चलिए अब आप ओके हो आसान तक ओके हो जाओगे आ जाओ वापस 100% चीजें ओके हो जाए शाम तक हीरो हो जाए